हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और आज की इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है बनाने का, रशिया और यूक्रेन की फाइट गोइंग ऑन है, फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो उसका टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर या शेंगेन और यूरोप ट्रैवल के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। और साथ ही हम बात करेंगे कि आपके लिए यूक्रेन या रशिया ट्रैवल करना सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, आम विजिटर्स के लिए, आम लोगों के लिए। तो अगर आपका प्लान है फ्यूचर में शेंगेन यूरोप या किसी भी कंट्री को जो कि इन दोनों कंट्री के नियर बाय हैं ट्रैवल करने का, तो इस वीडियो में उस डिटेल की बात करेंगे कि आपको उसका कोई इफेक्ट होएगा या नहीं होएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इन दोनों कंट्री के बारे में कि अगर आप यूक्रेन या रशिया ट्रैवल करना चाहते हो उसका प्रेजेंट सिचुएशन में क्या सिनेरियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्रेन की हम बात करते हैं इनिशियली, तो यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस टोटली बंद किया हुआ है, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का फ्लाइट वहाँ से नहीं जा रहा है, ना ही वो पैसेंजर फ्लाइट है, ना ही कार्गो फ्लाइट है, ना ही आप कोई भी कोरियर वाला, यानी कि किसी भी तरीके से हम ना ही बाय एयर ना ही बाय रोड यूक्रेन के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना एयर स्पेस टोटली बंद किया हुआ है। अभी जो भी वहाँ पे फ्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं उनके फाइटर जेट्स ही हैं, वो यूक्रेनियन गवर्नमेंट के हैं या फिर रशियन गवर्नमेंट के, आपस में जो फाइट कर रहे हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। पूरी दुनिया की हर कंट्री के लिए उन्होंने अपनी जो है एयर स्पेस टोटली बंद कर दी गई है। अगर हम बात करें रशिया की, रशिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, रशिया का एयर स्पेस पूरे तौर पर खुला है, वो पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए भी खुला है, लेकिन बहुत सारी कंट्री ने वहाँ पे इटसेल्फ अपने तौर पे बैन लगा दिया है जाने के लिए। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिकल बैन लगा रहे हैं रशिया को रोकने के लिए इस लड़ाई के ऊपर। तो यूएस ने, लंदन ने और यूरोप की कुछ ऐसी कंट्री है जिन्होंने टोटली बैन लगा दिया है रशियन फेडरेशन के ऊपर कि वो अपने एयर स्पेस, अपने फ्लाइट्स को, अपनी एयरलाइंस को रशिया के ऊपर से नहीं लेके जाएंगे। इसका एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता है क्योंकि जब भी कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट आपके कंट्री के ऊपर से जाता है, आपकी एयर स्पेस को यूज़ करता है, तो उसके पर माइल के हिसाब से वो पैसे पे करते हैं, वो एयरलाइन आपकी कंट्री को पैसे पे करती है। तो एक इकोनॉमिकल दबाव डालने के लिए रशिया के ऊपर कि वो फ़ाइट को बंद कर दे, तो बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो रशियन एयर स्पेस को यूज़ करना बंद कर दिया है। बहुत सारी एयरलाइन हैं जो अभी वाया इंडिया होके जा रही हैं, इंडिया के ऊपर से घूम के जा रही हैं, तो इस तरीके से। लेकिन रशिया में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो या वीज़ा लगाना चाहते हो, उनकी एम्बेसीज भी ऑपरेट कर रही हैं, उनका वीज़ा सेक्शन भी खुला हुआ है, रशिया ने इटसेल्फ अपना कोई वीज़ा नहीं बंद किया है। तो आपकी जस्टिफिकेशन के लिए मैंने रिसेंटली रशिया की टिकट पैकेज भी चेक किया है दुबई से, सबसे सस्ता पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता भी टिकट आ रहा है रशिया का, बिकॉज ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट लोगों ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया है, फाइट हो रही है तो कोई टिकट बुक नहीं कर रहा है, तो एयरलाइन ऑलमोस्ट एम्प्टी ही जा रही है। हर कंट्री से एयरलाइन उनकी जा रही हैं, जिस कंट्री से पहले जाती थी उन्होंने बंद नहीं किया है, लेकिन फुली एम्प्टी टाइप की फ़्लाइट उनकी जा रही है। मैंने रिटर्न टिकट चेक किया है यूएई से दुबई से कि अगर आप रिटर्न टिकट मॉस्को से रशिया से आने जाने का ले रहे हो, तकरीबन 550-600 दराम का आपको रिटर्न टिकट मिल रहा है। इंडियन रुपीज़ की हम बात करें 10-12,000 दराम में आप रशिया आ जा सकते हो, ऐसी उसकी टिकट का प्राइस हो रखा है, बिकॉज अभी टूरिस्ट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम जा रहा है। इस चक्कर में अगर हम बात करें दूसरी शेंगेन की और यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर इस फाइट का कोई इफेक्ट आया, तो ये पूरा नेगलिजिबल है, कोई भी इफेक्ट इस फ्लाइट के ऊपर या इस वॉर के अगेंस्ट नहीं आया है, क्योंकि रशिया की वॉर सिर्फ यूक्रेन से है, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। तो पूरी यूरोपियन यूनियन है, जो उनका यूनियन है वो एक नाटो के मेंबर हैं, उनका यूरोपियन यूनियन है, अगर किसी भी कंट्री को रशिया ने गलती से भी कुछ भी छेड़ा, तो पूरी की पूरी कंट्रीज रशिया के ऊपर हमला करेंगी एक ही यूनिटी के अंदर, बिकॉज उनकी एक स्ट्रेंथ है, एक यूनिटी है। यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती ही ये थी कि उसने ना ही तो नाटो की मेंबरशिप ली थी और ना ही यूरोप यूनियन की मेंबरशिप ली थी, इस चक्कर में यूक्रेन अकेला हुआ था, सिंगल है, इसलिए उसका डायरेक्टली कोई भी साथ कंट्री नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली नाटो भी उसकी हेल्प कर रही है, उसको आर्म सप्लाई कर रही है, उसको फाइनेंशियली एड दे के सप्लाई कर रहे हैं, उनको हेल्थ मेडिकल इनडायरेक्टली बाय बॉर्डर क्रॉस करके शेंगेन के बॉर्डर से उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अपनी फोर्स को, अपनी मिलिट्री को डायरेक्टली यूक्रेन के साथ में नहीं कर सकते, ना ही उसके अगेंस्ट कर सकते हैं रशिया के अगेंस्ट, बिकॉज वो ना तो नाटो का मेंबर है ना ही वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है।
तो इन शॉर्ट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, शेनिंगन के लिए, यूरोप के लिए इस फाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं है। पूरी एम्बेसीज एज इट इज़ काम कर रही हैं जैसे अर्लियर कर रही थी। अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो इंस्टेड ऑफ दिस टू कंट्री, यूक्रेन और रशिया, तो इजीली आप कर सकते हो। इवन रशिया की सारी एम्बेसी और सारे वीज़ा सर्विसेज काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी रीज़न आप रशिया को अपनी ट्रैवल लिस्ट से हटा सकते हो फॉर 1 or 2 or 3 months, जब तक इनका ये काम चलता रहेगा। रशिया में इटसेल्फ कोई फाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि फाइट है वो यूक्रेन के अंदर हो रही है, पर स्टिल फिर भी कुछ नहीं पता होता है, किसी भी टाइम पे कोई भी इमरजेंसी क्राइसिस आ सकता है। तो रशिया को हम अपनी ट्रैवल लिस्ट से अगर बाहर करेंगे, इट्स अ सेफ्टी मेजर। यूक्रेन टोटली बंद है, आप चाह के भी वहाँ पर जा नहीं सकते किसी भी तरीके से। बाकी सारी की सारी यूरोपियन कंट्री और सारी की सारी शेंगेन कंट्री लीगल तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जैसे ही वो पहले ऑपरेट कर रही थी अभी वो ऑपरेट कर रही हैं इस पर्टिकुलर वॉर का या इस लड़ाई का। इन शेंगेन कंट्रीज़ या इन यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है उनका, ना ही उनके वीज़ा सर्विसेज के ऊपर, ना ही फ्लाइट के ऊपर। तो एज़ यूजुअल उन्होंने अपने वीज़ा को और भी लीनिएंट कर दिया है, क्योंकि पहले कोविड का आपको RT-PCR टेस्ट चाहिए था, रैपिड टेस्ट चाहिए था। मैंने एक रिसेंट वीडियो बनाई है, यूरोपियन शेंगेन 9 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रैपिड टेस्ट को टोटली बंद कर दिया है। अगर आपके पास में सिर्फ वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, आप लीगली शेंगेन में सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हो। आपके लिए बहुत ईजी हो गया है, हैजल फ्री हो गया है अभी शेंगेन में ट्रैवल करना। अगर आप ये वाली वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करो, शेयर करो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सो दैट ऑल कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।